हाय पहले नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड। और बहुत दिन हो गए पता है मैंने वीडियो डाला नहीं है चैनल पे, तो क्या करें, वीडियोस वगैरह शूट नहीं कर पाया था। फाइनली आज मैं कंफर्टेबल हूँ और आज बहुत स्पेशल दिन है मेरे लिए, क्योंकि चलो आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। जी के अंदर आ गया हूँ और जो मैं आपको गुड न्यूज बोला था ना, वो ये है कि मेरे दादा आ रहे हैं आज इधर मेरे से मिलने के लिए, और जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड जाने वाले हैं, तो रास्ते में मिलते हुए जाएंगे, थोड़ा लंच वगैरह करेंगे हम साथ में, तो बहुत मजा आएगा। सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है हमसे। तो एक छोटा सा लोचा हो गया, शायद वो आगे निकल गया, पीछे रह गया, मेरे को लोकेशन का पता नहीं चल रहा है। तो मैंने उनको बोला कि व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजो, तो देखते हैं कहाँ पे है यार। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। तो गाइस फाइनली जो मेरे पीछे बड़ा सा पेड़ है ना, उसने थोड़ी मदद की हमारी और दादा पहुंचने वाले हैं। इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है ना, क्या बताऊं मैं। फाइनली दादा मिल चुके हैं। प्रणाम, कैसे हो? बस बस ठीक हो? बाकी दोस्तों फाइनली मिलन हो गया। ठीक है, यही बोला था, बहुत पीछे था यार। किधर पे रहते हो? बस ये गली अंदर ना। दादा तो अभी वादियों से आ रहे हैं, जैसा मैं फील कर रहा था ना पहले दिन, वैसे ही फील हो रहा होगा दादा को। मैं तो फिर भी रात में आया था यार, गर्मी बहुत है ना इधर। अंदर यहाँ से अंदर इसमें हाँ आ जाएगी, आती बड़ी बड़ी गाड़ी। आगे भी गली, एक और गली आगे। तो गैस ये हमारा पीजी और ये बार गाड़ी लेके आ गया, क्योंकि सामान बहुत है ना दादा का। कैसा लग रहा आपको पीजी? बढ़िया। अभी आपको इन्हें पीजी का टूर नहीं कराया, लेकिन आपसे पहले मेरे भाई देख लेंगे। हाउ लकी यू आर। हमें को अच्छा नहीं लगेगा, वीडियो कॉल करते रहेंगे। और दादा को मैंने बोला है कि कालू को दिखाना मुझे। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द। अभी तो फिलहाल मेरी परीक्षाएं होने वाली, उसके बाद ही जाऊंगा मैं उत्तराखंड। चलो बाय बाय। आज 16 तारीख और हमारे होली से पहले कॉलेज का लास्ट दिन था, तो थोड़ी वगैरह हमने होली मनाई और अभी फिलहाल हम कहीं और जा रहे हैं। और ये भाई बताएगा कहाँ जा रहे हैं अभी हम? पंजारी बाग। सांस भी लूं तुझे चाहे बिना, अब होगा ना एक प्यार हुआ तुमसे। जो कलर वलर था ना वो अलाउड नहीं था, तो मिटा लिया हमने। और यहाँ से हमें कहाँ जा रहे हैं? भारत दर्शन पार्क। भारत दर्शन पार्क को ही है पंजाबी बाग। चलिए सर चलिए। तो अभी हमें मौजपुर में। हाय गाइस, तो हर एक और स्टॉप आ गया है, इसका नाम है वेलकम। तो हम यहाँ से अभी दूसरी जगह जाने वाले हैं। हमें कितनी बदलनी है यहाँ से कितनी बदलनी है? दो गाड़ियाँ और बदलनी है, हमें दो गाड़ियाँ, दो मेट्रो और बदलनी है यहाँ से, और उसके बाद हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर। और क्या सीटल ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेट्रो में? पंजाबी वाह जा रहे हैं ना? पंजाबी वाह हाँ। और गैस मेरे को दिल्ली मेट्रो की एक बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं नूब हूँ, मैं दूसरी बार ट्रेवल कर रहा हूँ मेट्रो में। तो एक चीज़ ये है कि इसमें अगर हमें रेड लाइन में जाना है तो हमें रेड को फॉलो करते हुए जाना पड़ेगा। सबसे दूर से कौन आता होगा? शायद मैं ही हूँ। अच्छा, कितने किलोमीटर से? हमारा 25 किलोमीटर। मैं कभी कभार स्कूटी से या फिर अपने प्राइवेट व्हीकल से। ये भाई राजस्थान से, ये भी दिल्ली से, ये भी दिल्ली से। तो गाइस मैं अपने दिल्ली वाले फ्रेंड्स को कुमाऊनी सॉन्ग सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा इसके बाद, तू भी बोलना। बोल। इक रूप असी मन में वसी कमला वी को नाम ईजा बोरी लियो। बोरी को मतलब बोलते हैं बहू। तो बोल रहा है की मम्मी से बोल रहा है, मम्मी प्लीज बहू लेके आ जाओ। हाथ पाँव जोड़ रहा है उसके, बड़ा मजा आता है। इक रूप असी मन, हाँ तूने वाले सुने ना, तूने फां बागरे ऐसे टाइप के सुने? तो गाइस ऐसा भी नहीं है, कुमाऊनी सॉन्ग्स हर जगह फैलते रहते हैं। और जैसे आप दिल्ली में जाएंगे, मुंबई में जाएंगे ना, हर जगह आपको सुनाई देंगे। अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और यहाँ से हो जाएगी। तुम्हारे यहाँ कैसे होती है? पहले कैसे होती थी? हाँ गंदी तरह खेलते हो, मेरे कपड़े सही रहेंगे नहीं? उसके बाद बीच में अंधे आ जाते फिर कलर। अरे भाई
वो खुद अपनी राह बनाता ऑडियंस ये ऑडियंस है, तू ऐसे फ्लैश ले आया सर। तो गाइस मेरे से बहुत बड़ी भूल होगी, मैं सोच रहा था कि हम लोग होली मनाने जा रहे हैं, दरअसल हम जा रहे हैं भारत दर्शन पार्क। यहाँ मतलब जो भी सात अजूबे बोलते हैं ना, जो वो सारी चीजें हैं, तो आपको वो भी दिखाएंगे। और मेरे तो बहुत नई चीज है क्योंकि मैंने आते सिर्फ ताजमहल लिखा हुआ है, तो सारी चीजें देखते हैं। और हमारे गैंग आगे फिलहाल और मेरे साथ दिलकुश भाई। तो हमारा एक बहुत बड़ा पोपट हो गया, ये लोग कैश के अलावा और कुछ नहीं लेते हैं। हम लोग चाहते कि पेटीएम करें पर ऐसा कुछ नहीं है, तो हमको खाली हाथ लौटना पड़ रहा है इधर। क्यों? हमारे पास कैश नहीं है। हाँ, तो फिलहाल फीलिंग सो सैड, सैड लाइफ। कोई बात नहीं गाइस, अब देखते हैं कि कहीं और जाने की कोशिश करते हैं। और आज का दिन पूरा पोपट वाला यार, तो मैं सोचा था होली खेलने जा रहे हैं, हम यहाँ आए थे और वो सारी जो चीजें बोला था मैं, कुतुब मीनार सारी चीजें देखेंगे। भाई आधे घंटे से हम दिल्ली की गर्मी में डोल रहे हैं और अभी तक जहाँ हमें जाना था ना पहुँचे नहीं हम लोग। सुबह से इतना पोपट है और जिस पीजी में मैं रहता हूँ वहाँ ब्रेकफास्ट नहीं देते हैं, तो आज पूरे खाली पेट घूम रहे हैं हम दोनों भाई। हम भी खाली पेट हैं, सब खाली पेट है इधर। और धूप में ऐसा लग रहा है ना आज सच में। हाँ एक दो अभी बेहोश भी बना लें। क्या कहते हैं इसको, जलजीरा पानी कह सकते हैं। तो अभी जलजीरा पानी हो रहा है और इसके बाद फिर हम सीधे पहली बार ट्राई किया और ठीक ठाक है इतना। सो हाय गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो, दैट्स इट फॉर द व्लॉग। आज का यही व्लॉग था, आई होप आपको पसंद आया होगा और हमको तो बहुत मजा आया उस दिन। वो खैर होलियों के टाइम की वीडियो थी, अभी तो अप्रैल भी आ गई है तो मैं कुछ एडिट नहीं कर पा रहा था, कुछ काम नहीं कर पा रहा था, उसके लिए माफी चाहूंगा। पर अप्रैल में मेरा वादा है भर भर की वीडियोस आएंगी और थोड़ा सा रेगुलर रहने की कोशिश करूंगा। आज भी मैं एक मस्ती जगह आ रहा हूँ शाम को, तो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगी। और तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, और अगर आप अभी तक देख रहे हैं ना तो बस दो लिखना, मैं समझ जाऊंगा आप अभी तक देख रहे हैं। और जल्द मुलाकात होती है नए एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए और मैं जल्द मिलता हूँ। बाय बाय। सचा हो कहा गया उसे ढूंढो।